صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. आप लोग सभी अगर आगे आगे आ जाएं, ये जो दस्तरखान की तरह दायरा बना लिया इसको तोड़ दें और आगे आगे आ जाएं. जज़ाकुमुल्लाह. सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करती हूँ आंटी को, तमाम घर वालों को. ये बार बार बंद हो रहा है. कोई और माइक है? सब लोग खामोशी के साथ बैठे ताकि हम नजर मिलाद का आगाज कर सके. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. تلاوت کلام پاک سے اپنے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق باری تعالیٰ پیش کر رہی ہوں. سب مل کر میرے ساتھ اللہ کے ذکر میں باواز برند شامل ہو جائیے گا. اس میں ایسے کیسے پڑھیں گے, بہت بند ہو رہا ہے بار بار. اللہ 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 اللہ. اس کا سپیکر کہاں رکھا ہے؟ It shouldn't be outside because it's just disconnecting. It should be nearby somewhere. So please, yeah, yeah. If you can just, huh? Because this room se bahir ho gaya. Maybe that's why it's just disconnecting again and again. It should be nearby somewhere. So I think. Okay. Maybe. Do you have any other mic? Yeah, turn करके बिल्कुल face to face रखेंगे तो फिर वसल करेगा.
शुक्रिया। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में हम बैठे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर की बात है, अगर आप लोगों के पास वक्त नहीं है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे ये बात कहते हुए कि जब हम जिक्र की महफिल में हर आने जाने वाले पर या किसी भी और दूसरे मौजू पर बात करते हैं तो जो अल्लाह के फरिश्ते उसके मलाइका हमारे लिए रहमत का बायस बनते हैं, यानी जो हम पर रहमत बरसाने के लिए आए होते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बेअदबी कर रहे हैं, उसकी वजह से हम पर लानत बरसा कर चले जाते हैं। और ये मैं अपनी पास से नहीं कह रही, मुख्तलिफ रवायात में आपको मिली हुई ये बात। तो पहले ही हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात, इतनी टेंशन, इतनी चीज़ें हैं, मज़ीद लानतें वसूल करने की अब गुंजाइश नहीं है। तो कोशिश ये करें कि दिन के 24 घंटों में से अगर एक घंटा जिक्र की महफिल में हम बैठे हैं तो वो एक घंटा पूरी ईमानदारी से जिक्र को दें। इससे मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क या फ़ायदा नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह जो जिक्र हम कर रहे हैं इससे हमारे घरों में सुकून, हमारे घरों में बरकतें, हमारे बच्चों में, हमारे वालदैन में जो लोग साहब औलाद हैं उनके घर बच्चों में, जो लोग वालदैन के साथ रहते हैं उनकी पूरी फैमिली पर अल्लाह ताला इसकी बरकतें रहमतें नाजिल फरमाता है। सिर्फ अल्लाह ने एक शर्त रखी और वो क्या, बाअदब होके बैठे, अदब के साथ जिक्र करें, मोहब्बत के साथ, पूरी अटेंशन के साथ। तो आइए मिलकर जो जो अगर आपकी कोई पसंदीदा नाते हैं तो आप वो मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मुझे याद हुई, मुझे आती हुई तो ज़रूर इंशाल्लाह शामिल करूँगी। मेरी किसी बात का बुरा मत बनाइएगा क्योंकि हम सब महफिल का हिस्सा है और कोई एक शख्स भी बात करता है तो होता यह है कि वो सबका ध्यान भी चला जाता है और फिर बेअदबी का शिकार हो जाते हैं। जज़ाकुम अल्लाह जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जा।
بلند رود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا ऐसी क्या तैयारी कर रखी है कयामत के लिए जो ये सवाल करते हो? तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फखरिया तो ये सवाल कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं है. सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसा तो नहीं होगा कि नमाज नहीं पढ़ते होंगे या रोजा नहीं रखते होंगे या दूसरों का हक खुदा का वास्ता तल्फी करते होंगे. लेकिन ये उनकी आजजी इनके सारी थी हमेशा कि सहाबा किराम कभी भी नहीं अपनी इबादत पे फखरिया कहते. तो वो कहते हैं कुछ तैयारी नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो कुछ भी नहीं है कयामत के लिए, लेकिन हाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत करता हूँ. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बस ये मोहब्बत ही जन्नत में ले जाएगी. कि मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा रा मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे सबके सरदार का है मुकद्दर
हो शाहिबे मेराज हो साहिबे ताज हो शाहिबे मेराज हो। सर से पैरों तक वो करम ही करम रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी उनके खिदमत गुजारों में जिब्रील है और सवारी बुराके हसीन आपकी सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा सफर और मकाम उनका है कि तो कुछ हो
मिलादुल नबी के नाम से हम इस दिन को अक्सर एहतमाम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो जो खुद अल्लाह के हबीब है, अल्लाह को कौन जानता था इससे पहले, हमारे प्यारे रसूल ने आके तो हमें अल्लाह के तारुफ करवाया, मुतारिफ करवाया, उसके बाद ही दुनिया में वापस दोबारा जो इस तरह बस्ती की तरफ गिर गई थी दुनिया, वापस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो भटकों को रास्ता दिखाया। तो फिर ईद का दिन क्या है, ईद का दिन हम आम में तो जो इस्लाम ने हमें जो दो ईदें दी हैं इसके अलावा हम अक्सर लोगों को इतराज़ होता है कि ये ईद कैसे है, ईद का मतलब ही खुशी का दिन है, ईद का मतलब ऐसी खुशी है जो आपके गम को भुला दे, ईद का मतलब है वो दिन जिस दिन आप अपनी तकलीफ़ और गम भूल जाए, ईद का दिन है वो जो बार बार लौट कर आए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ किया और फरमाया कि अल्लाह पाक आप जो है हम पे ख्वान नाजिल कीजिए, ऐसा ख्वान नाजिल कीजिए कि वो हमारे लिए ईद का दिन ठहरे और हमारे बाद आने वालों के लिए भी ईद का दिन ठहरे, यानी कि उस ज़माने में नबी जिस वक्त मौजूद थे वो दिन उनके लिए भी ठहरा और किस लिए मांगा, ईद का वो दिन बनाया कि अपने बाद आने वालों के लिए, तो वो एक ख्वान और एक खाना था। तो अगर हम मुकाबला करें तो फिर हमारे लिए नबी उस खाने से ज़्यादा मौजूद होंगे कि नबी जो है वो तो है बराए रास्त अल्लाह से मिलाने वाले, तो फिर वो दिन कैसे ईद का दिन नहीं होगा जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाएं, जबकि ख्वान नाजिल करने के लिए एक नबी ने खुद उसको ईद का दिन फरमा दिया। इस मुबारका में आता है मोमिनों के पास जुमे का दिन जो है वो ईद का दिन है, ये मैंने कह रही हदीस मुबारका के अल्फाज है। साल के बाद ईदें तो ऐसी हो गई, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ दो ईदें हैं तो उनको मुगलता है, अल्लाह ताला जो जहाँ गलत है उसको हम सबको भी हिदायत अता फरमाए। तो इसलिए और हम जो मिलाद करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बिदत है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनाना नहीं चाहिए, पहले कौन मिलाद मनाता था, सबसे बड़ी सुन्नत तो अल्लाह ताला की है। मिलाद क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एनी वन कैन टेक पार्ट, लाइक मुझे जो भी आप चाहें बता सकते हैं, मैं बयान नहीं करी कॉन्वर्जेसन है, सो आप पार्ट ले सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और हुजूर की मोहब्बत में तारीफ कर रहे हैं और सलाम भेज रहे हैं, और एनीवन एल्स उनकी विलादत की आमद की खुशी बयान कर रहे हैं ना, खुशी मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए कराम को जमा फरमाया और उन सब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान फरमाए, समझ आ रही है बात, ये हदीस के अल्फाज हैं। और तो ये क्या हो गया, अल्लाह ने सबसे पहले मिलाद मनाया अर्श पर, हम अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये आज से नहीं है। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु क्यों मशहूर थे, शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जी जी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके ताइफ आए तो लड़कियों ने जब बजाकर उनको वेलकम किया, तो ये उस वक्त से चला आ रहा है। मिलाद कोई आज की इजाद नहीं है या आज का कोई नया काम हम नहीं कर रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीख में पूरा कुरान करीम लिख डाला, बस हमारी जबान डिफरेंट है, हम उर्दू में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ अपनी अपनी सब जबानों में नाते पढ़ते हैं, तो हम सब काम वही कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है। अब माइक आ गए हैं, जिद्दत हो गई है ना, जिद्दत इसको कहते हैं, जिद्दत को क्या कहेंगे और थोड़ा आसान अल्फाज में बताएं, इन्वेंशन या है ना, इनोवेशन, मॉडर्नाइज हो गया, यस एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजीज आ गई है, हम उसको लाइक और मॉडर्नाइज करके हम उसको यूज करें क्योंकि जरूरत भी है। अब अगर जो आज शाम दोपहर को जो प्रोग्राम था जितने लोगों ने शिरकत की, अगर माइक ना होता तो आवाज़ जाती नहीं, जाती ना, और हमें अगर दिन में चार जगह पढ़ना हो तो हम बगैर माइक के सब जगह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जिद्दत ज़रूर है, लेकिन मिलाद कोई नई ईजाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सब के अकीदों की हिफाजत फरमाए। जो लोग इस पर सवाल करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, सहाबे किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया ना, तो वो उस पर सवाल नहीं करते थे क्यों क्या कैसे कब, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, वो बस जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। आपको याद होगा मिलाद शरीफ के बाद सुबह हुई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई शख्स आता है, लोग आते हैं और पूछते हैं कि अबू बकर क्या आप ये मानते हैं कि कोई शख्स एक ही रात में सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमान सातों ज़मीनें सब कुछ घूम के आ सकता है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो कहते तुम्हारे नबी ही ये बात कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर मोहम्मद अरबी स
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो ये बरहक है, ये बजा है, इसमें कहीं शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो सहाबे किराम तो चूं चरा करते ही नहीं थे, ये किसका काम था? सवाल उठाना, मुनाफिकीन का काम था, शैतान का काम था कि वह वसवसे डालकर सवालात पैदा करता था और सवालात पूछता था। जैसे उसको कहा गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उसने सवाल किया ना क्यों, है ना, उसने सवाल किया कि मैं क्यों ये काम करूँ। तो ये जो क्यों क्या कैसे है ना, मैं बात करती रही हूँ, मैं इसीलिए बात करता था कि खवातीन को जो बातें करने की आदत है ना वो ज़रा खलाफिल हो जाए, है ना, तो इसलिए जज़ा करना। लोग बोलते हैं कि जैसे नाते पढ़ी जाते हैं ना, हाँ नात खां की जो आवाज है ना वो मर्दों तक नहीं जाना चाहिए। देखिए हर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेरी एक बात सुन ले, हम पूरी कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बहुत सारी वेबसाइट्स इस्तेमाल करती हैं और उनसे इंस्पायर होके और वही सारे काम करती हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर मॉडर्नाइज हम हर चीज को कर रहे हैं, मैं मर्दों की बात नहीं कर रही, मैं खवातीन की बात कर रही हूँ, हम कोशिश करते हैं हमारी भी महफिल में सारी खवातीन ही होती है नॉर्मली, तो लेकिन अगर कोई हमें टीवी पर देख रहा है या यूट्यूब पर देख रहा है या सुन रहा है तो कितनी सारी खवातीन बहनें बच्चियाँ ऐसी हैं जो इससे बहुत कुछ सीखती हैं, इंस्पायर होती हैं, बजाय इसके कि वो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये टिकटॉक इधर उधर मसरूफ़ होती हैं तो उससे तो बेहतर नहीं है कि वो कलाम सुने और उससे इस्तेफादा हासिल करें। और स्पेशली जो हमारे यूरोपियन फैंस हैं या जो हमारे अमेरिकन फैंस हैं या जो दूसरे और दूसरे ममालिक में हैं जिनके पास ये रोज़ रोज़ की नाफ़ानी या ये चीज़ें मैसर नहीं है, वो तो इसी से बेचारे इस्तेफादा करते हैं। परसों मैंने लाइव नहीं किया महफिल में, मैंने कहा नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं, मायूब लगता है, मैं नहीं कर रही। तो मुझे खातून ने फिर यूरोप से मुझे फ़ोन किया और कहा कि नहीं फिर हम कैसे देखेंगे और हम कैसे हम आप लोगों की इनातों से और चीज़ों से फैजयाब होंगे। तो हमें पॉजिटिविटी पर नज़र रखनी चाहिए, बाकी दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है हम सब चीज़ों को आप नहीं फिक्स कर सकते, यू अंडरस्टैंड, सारी कायनात को आप नहीं फिक्स कर सकते, तो आप अपना पार्ट प्ले करें इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला और मदद करने वाला है। जज़ाकुल्लाह खैर। आइए एक नाक पेश कसीदा बर्दाश्त, सबसे पहले पढ़ रही हूँ बेशुमार। अच्छा ये हमारी बहन ने भी फरमाइश की है, बेशुमार इसकी बरकतें हैं, इसमें कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, नाफरमान औलाद, बे औलाद, एग्जाम्स में कामयाबी, यानी कि हर मुश्किल और हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इस नियत से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हर बीमारी को हर परेशानी को हमसे दूर फरमाए। और विदाउट कोई लाइक दूसरी कोई मसरूफियात कोई काम नहीं करना, वन को में बैठ के पढ़ना है बावजूद होके और सही अरबिक एक्सेंट के साथ, जोश जो भी आप पढ़ के ये दुआ मांगेंगे ना, जहाँ से मैंने ये रिसर्च किया है, क्योंकि हम पीटीवी पे ट्रांसमिशन करते थे तो हमने इस पर 4 साल तक रिसर्च की, तो उसमें ये लिखा हुआ था उस किताब में कि ये औलिया किराम के मुजर्रबात में से है, मुजर्रबात जिससे आप तजुर्बा करके गुजरे हो, उसके बाद उन्होंने इसकी रवायत किया 1001 मरतबा बगैर किसी इंटरप्शन के आप इसको पढ़ें, जो भी मुराद अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे वो जरूर पूरी होगी। आइए मिलकर इस शेर को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हम सब को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और जो भी मुरादें आप लेकर आए हैं अल्लाह ताला उनको मंजूर फरमाए। आमीन।
कलाम नहीं है, बाकी हकीकत है। मैं जितना बेचैन थी और रबीउल नूर का चांद शुरू होते ही मेरे मुझे था कि कई नात खुआ से बात की, कोई घर में रात के आने को तैयार नहीं थे। पिछले साल भी हम तीन चार बहनों ने बैठ के ऐसी अपनी सुकून दे लिया खुद ही पढ़ के, लेकिन अचानक तीन दिन के अचानक जवेरिया मुलिम मिले मुझे हफ्ते को, और संडे मॉर्निंग इनका मेरे पास कॉल भी आई कि मैं आ रही हूँ, आप लोगों को बुलाइए। मैं परेशान कि अल्लाह रात के ख्वातीन आएंगी तो नहीं, और जवेरिया भी हामी भर रही है, मैं क्या करूं। अंदर से तड़प थी, फिर मैंने कहा मेरे आका जब आपने वो बंदी जिसे मैं जानती नहीं कभी नहीं मिली, एक मैंने उससे कहा है और वो हम शायद मेरे लिए आपने भेजी, यकीन माने मैं रबीउल नूर के चांद शुरू होते ही मैं अपने आका से मैं कहती हूँ आप लोग बात कीजिए। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आप बात कीजिए, जवाब आएगा। दुरुस्त हकीकत है। मैं कहती आका मैं क्या करूं, आका कोई नहीं आ रहा मेरे घर, आका कोई नहीं आ रहा, मैं आपका कैसे शब्बे मिलाद बनाऊं, आका मैं कैसे उस टाइम सलाम पेश करूंगी जो मेरा दिल चाहता है कि सुबह सादिक के वक्त सलाम पेश हो। और फिर जवेरिया ने कहा, और यकीन माने तीन दिन के अंदर अंदर जितने लोगों ने इनकार, दो तीन काफी इनकार किए, लेकिन मैं कहा आका आपको जिसको बुलाना होगा वो आपके ऊपर है, बस मैंने कहा आका बस मेरे घर ऐसा हो कि मैं खुश हूँ, आप आपका रब खुश हो और रब का हबीब खुश हो और मैं मेरे मेहमान खुश होके जाऊँ। उसमें कहती हूँ आप लोग लॉ लगा लीजिए, जवाब आएगा। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, जो वाकई इन्होंने इतना लंबा सुनाया, जो इतनी अपनी कैफियत इन्होंने बयान की, उसकी नज़्म नज़्म में उसकी सूरत मैं बयान कर रही हूँ, तज़मीन की सूरत बयान कर रही हूँ। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते और वो लोग खुदा शाहिद
सीने से लगाते हैं उसको भी मेरे आका दामन में छुपाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं और अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर मालिक है नबी सरवर अरे ये सच है आजी हम सरकार का खाते हैं ये सच है आजी हम सरकार का खाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم كعبة کا کعبہ کیوں کہا گیا ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو پہلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے ظاہر ہے کہ میں کہاں اور کعبے کے اوپر وہ تو ہے تو صحابی رسول مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کی گھر کی اپنی حرمت تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے لیکن پھر سوچا کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کعبے کے اوپر جب کھڑے ہوئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہیں بھی اذان دیتا ہوں تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا ہوں آج تو میں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں آج کس کی طرف رخ کر کے اذان دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال اپنا رخ میری طرف کر کے اذان دو کہ دو عالم کا آقا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو فرشتوں سر راہ آنکھیں بچھا دو اٹھو مہر تعظیم سر کو جھکا دو خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی روب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی
आपके ईमान को अकीदे को ऐसे ही सलामत रखे। तो इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार, कि रहते हैं वो तौसीफ वो सनाए शहे अबरार में हर लहजा को हर पार। वरना वो सैयद आली नसबी हाँ वही उम्मी लबी हाशमियों मुकलबियों अरबियों मदनियों परशी और कहाँ हमसे गुनहगार। तो इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर मुतादर मुनव्वर मुजल्ला मुस्तफा दुर्याला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर मुतादर मुनव्वर मुजल्ला मुस्तफा दुर्याला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। कि जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। तो इश्क के रंग बिरंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग बिरंग जाओ मेरे यार। और जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उनके लिए क्या इनाम और इकराम है, ये इस शेर में बयान किया है। और कोई खास तबके के लोग या सिर्फ मुसलमान नहीं, एक सिख शायर ने क्या लिखा, सिख आपको पता है ना जो सर पे वो बांधते हैं लेकिन वो मुस्लिम नहीं होते, लेकिन कितनी मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके दिल में आ जाए। वो कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहे जिनों इंस चरंद परिंद मुस्लिम नॉन मुस्लिम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले। और ये बात मैं हमेशा कोट करती हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या गालिबन जान जिसपे सबसे ऊपर जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है कि सबसे बेहतरीन शख्सियत सब, हाँ लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। शायद क्या कहते हैं कि ये इश्क जिसको नसीब हो जाए फिर उसकी क्या उसका क्या मर्तबा है। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मुहाजिर हो के पख्तून हो बलोची हो के सिंधी हो के हिंदी, किसी खित्ते की कबीले की जबान इससे नहीं कोई सरोकार। इश्क के रंग में रंग जाओ मुहाजिर हो के पख्तून हो बलोची हो के सिंधी हो के हिंदी, किसी खित्ते की कबीले की जबान इससे नहीं कोई सरोकार। क्यों? क्योंकि जामाए इश्क़े मोहम्मद, जामा कहते हैं लिबास को, जामाए इश्क़े मोहम्मद जो पहन लेता है हर खार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। तो इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आखिरी शेर में शायद कहते हैं कि चाहे हम कितने भी ज्यादा अल्फाज वाली नात लिख लें लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनागोई का हक अदा नहीं कर सकते। क्यों? अदीब अभी यही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक़े सना कोई अदा फिर भी न कर पाए। ये जज्बातो ज़बानो क़लमो फ़िक्रो ख़याल, ऐ अदीब अभी यही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक़े सना कोई अदा फिर भी न कर पाए। ये जज्बातो ज़बानो क़लमो फ़िक्रो ख़याल। क्यों? क्योंकि उनकी मदहत, अरे उनकी मदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, ये खालिक का पसंदीदा है और कुरान का है इसमें शिरार। तो इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। जिनसे पूछ के बताए मन का बताओ, सलाम पढ़े 10 मिनट में, अब वो वाली पढ़े, अब तो बस एक ही धुन है। अच्छा, लोगों की भी शक्लें देख रही हूँ इसलिए मुझे होता है कि लाइक 11 बजे तक हम वाइंड अप कर लें ताकि आप सब लोग अल्लाह जज़ाक। रात वक्त का है, लेकिन रात वक्त दुरूद सलाम वगैरह सब कुछ पढ़ना है, ज़ियारत होंगी, सब चीज़ें हैं, रात भर महफिल नहीं है। मुझे मसला नहीं है, पे आप लोगों ने जाना, मैंने तो सुना है जी, कुछ नातों की फरमाइशें हैं, 3-4 फिर वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मुर्तबत पढ़ेंगे फिर 15-20 मिनट में इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वो जाए तो वो 15-20 मिनट और रुके फिर इंशाल्लाह। वो आ गई ज़ियारत लेकर, आ गई जी, वो आ गई है रोशन अंदर, वो रोशन बैठी है, ज़ियारत अंदर है, ज़ियारत अंदर है, तो फिर ये क्या ज़ियारत, चार पाँच आप लोगों में किसी ने चाय वाय लेनी हो तो आप लोग ले सकते हैं। आमद की चूंकि महफिल है तो हम आमद का ही कलाम पढ़ते हैं, मौका चाहिए बस। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعادل الجود والكرم والعالي المبارك وسلم صل على سب मिलकर आमद का ही कलाम मेरे साथ पढ़िएगा। या रसूल अल्लाह